टॉर ब्राउज़र क्या होता है एंड इसका यूज़ क्यों करते हैं एंड कौन लोग इसको यूज़ करते हैं। टॉर ब्राउज़र का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है द एनुअल रूटर। सॉरी फ्रेंड्स, हमें बोलने में तकलीफ़ हो रही है, सॉरी। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही इसका नाम है द एनुअल रूटर। इसका फुल फॉर्म यही होता है। टॉर ब्राउज़र का यूज़ कहाँ होता है? टॉर ब्राउज़र का यूज़ हैकिंग में किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि हैकर इसका यूज़ अपनी पहचान को छुपाने के लिए करते हैं इंटरनेट की दुनिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इंटरनेट पर एक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस आईपी नहीं जानते तो मैं आपको एक आसानी से बता देता हूँ, जिसे जैसे नॉर्मल हमारे लाइफ में हम जब सिम परचेज करते हैं, सिम लेते हैं, तो उसमें एक हमें नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि यह व्यक्ति यह सिम यूज़ कर रहा है। बस इंटरनेट की दुनिया में हमें एक आईपी दी जाती है, हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी होता है, जिससे हम इंटरनेट सर्फ करते हैं और इससे यह पता लगाया जा सकता है कि हम लोग कहां से सर्फ करते हैं। ये सब ये सब होता है, आईपी यही होता है। टॉर ब्राउज़र का यूज़ हैकिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, हैकिंग में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। इससे हैकर लोग अपनी पहचान को छुपाते हैं इंटरनेट की दुनिया में। एग्ज़ाम्पल पे अगर वह किसी की वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं तो पहले वो अपनी पहचान को छुपाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जब तक इंटरनेट की दुनिया में या कहीं पर भी अगर वो अपनी पहचान जब तक नहीं छुपाएंगे तब तक वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं या पुलिस की निगाह में आ सकते हैं। इसीलिए हैकर लोग क्या करते हैं, पहले अपनी पहचान को छुपाते हैं ताकि उनको कोई ट्रेस ना कर पाए। अगर वो अपनी पहचान न छुपाएं तो उनको कोई भी पुलिस आसानी से वो पकड़े जा सकते हैं और उसके बाद जेल वगैरह ये सब हो सकता है, इसीलिए वो अपनी पहचान को छुपाते हैं। टॉर ब्राउज़र में होता क्या है कि इसमें जैसे हमने आपको बताया आईपी इंटरनेट की दुनिया में होती है, इससे अपने आईपी को छुपा देते हैं। टॉर ब्राउज़र की हेल्प से अपनी आईपी को एकदम छुपा देते हैं। हमारा आईपी जो है 9 लेयर के अंदर हो जाता है, यानी कि 9 लेयर के अंदर हो जाता है हमारा आईपी। जैसे अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर अगर हमने फेसबुक के ऊपर अटैक किए और उसमें हमारी एक आईपी चली गई, तो वह अगर सर्च करना चाहे कि यह आईपी कहां से है तो वो शो करेगा अमेरिका, जो कि हमारा वो रियल आईपी नहीं है। मैं हैक कर रहा हूँ इंडिया से, बट वो शो कर रहा है अमेरिका, तो इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अगर हम टॉर ब्राउज़र के यूज़ करते हैं। तो हैकर अगर कोई भी अटैक जब करते हैं, कोई भी अगर अटैक करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को छुपाते हैं, तो उसके बाद अटैक करते हैं। तो टॉर ब्राउज़र का यही यूज़ होता है कि अपने आईपी को 9 लेयर के अंदर कर देते हैं, यानी कि हाइड कर देते हैं, ताकि कोई भी अगर चीज़ को अटैक करे तो उनको कोई भी ट्रेस ना कर पाए। हालांकि अब ट्रेस किया जा सकता है, बट ऐसे कोई भी उसको कभी भी पता नहीं लगा सकता। टॉर ब्राउज़र यही होता है। अगर आप चाहते हैं कि टॉर ब्राउज़र कैसे यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, तो आप हमें कमेंट बार में लिख सकते हैं कि मैं उस पर इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं इस चैनल पे आपको हैकिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक बहुत सारी नॉलेज देता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।